नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन बैंक के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग के पास भी यहाँ पर इंडियन बैंक का अकाउंट है, अगर आप लोग अपने इंडियन बैंक में अपना आधार एनपीसीआई यानी कि डीबीटी लिंक कराना चाहते हैं या आधार से लिंक कराना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से बिना ब्रांच गए हुए बिना बैंक गए हुए अपने बैंक में आधार एनपीसीआई डीबीटी को लिंक कर सकते हैं, तो किस प्रकार से करना है, तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाले कि किस प्रकार से आप यहाँ पर अपने बैंक में इंडियन बैंक में आधार एनपीसीआई को लिंक कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप इस वीडियो बने रहे। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल जो बेल आइकन है उसे भी ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंडियन बैंक में आधार एनपीसीआई या डीबीटी लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन का कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्च का आइकन शो करता है, आपको क्या करना है इसी आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है INDIAN, आपको लिखना इंडियन, यहाँ पर देख हम लिखते हैं इंडियन बैंक, ये आपको लिखना है, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट शो किया जाएगा, आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते थे यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है इंडियन बैंक में आपका स्वागत है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है और नीचे आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आता है, इस पर इनेबल करेंगे। इसको इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर प्रोसेसिंग पहले लिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वेट करना है कुछ सेकेंड। तो आप लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा किस लैंग्वेज में इसको यूज करना चाहते थे, यहाँ पर हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर आपके सामने पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन शो किया जाएगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो किया जाएगा, पर देख सकते हैं आधार सीडिंग ऑनलाइन, आपको क्या करना है इसी आधार सीडिंग ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार सीडिंग आपके सामने इस तरह का इनेबल हो यहाँ पर शो किया जाएगा। फिर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, देख लेंगे आपका डेस्कटॉप साइट मोड ओपन है कि नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार सीडिंग। अब आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर फिलअप करना होगा, इंडियन बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं प्लीज़ इंटर द टैक्स एंड शो इन द इमेज, यहाँ पर जो भी इमेज में टैक्स शो करा है उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर कंसेंट देकर सबमिट करेंगे, सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट में आप सबमिट माई आधार नंबर एंड गिव माई कंसेंट टू, यहाँ पर आप जब यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यूज माई आधार डिटेल ऑन ऑथिकेट मी फॉर्म यू आई डी, आपका आधार डिटेल ओपन हो जाएगा। अब आपको ऑथिकेट में क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते यूज माई मोबाइल नंबर फॉर सीरीज SMS अलर्ट, अगर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, उस OTP को फिलअप करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाता है कि SMS के अलर्ट यहाँ पर आधार सेटिंग प्रोसेस का। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सीडेड द आधार नंबर टू ऑल माई अकाउंट विथ इंडियन बैंक, फिर आपका आधार सीडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आपको सिंपल है, आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, कंसेंट लेकर सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, और यहाँ पर आधार रजिस्टर मोबाइल पर OTP फिलअप करके सबमिट करेंगे तो आपका मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा आधार सीडिंग प्रोसेस सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको 2 से 3 दिन वेट करना हो, उसके बाद आपका आधार सीडिंग सक्सेसफुली हो जाता है इंडियन बैंक में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।